हफ्ते के आखिरी दिन दुनिया भर के बाजारों से जबरदस्त मजबूती के संकेत और सेंचुरी मारने के मूड में है एसजेएक्स निफ्टी। दमदार गैप अप ओपनिंग के बाद के एक्शन पर रहेगा फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। अच्छे खासे एक्शन के लिए हम हो चुके हैं पूरी तरह से तैयार, क्योंकि ग्लोबल मार्केट की क्यूज सर जबरदस्त है एंड थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। शुक्र है शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन बहुत अच्छे संकेत लेकर आप आई हैं, तो नेहा जी आपका स्वागत। थैंक यू सो मच सर, एंड इट्स अ प्लेजर ऑलवेज बीइंग योर को-एंकर। सो बताइए आज के कौन से ट्रिगर्स हैं जिन पर रखनी है नजर। ट्रिगर्स बहुत ही अच्छे हैं और अमेरिका से काफी अच्छे ट्रिगर्स आते दिख रहे हैं, स्पेशली बाजारों से जहाँ पर जो फेड जहाँ पर दाव में बहुत ही अच्छी मजबूती के साथ लगभग 350 अंकों का उछाल देखने को मिला है। नैसडेक 85 अंक मजबूती के साथ दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद होता हुआ दिखा है और वजह है कि फेड के एक सदस्य ने यह कहा है कि ब्याज दरों में जो बढ़त की उम्मीद है वो ज़्यादा बड़ी बढ़त की उम्मीद न रखें। होगी बढ़त, छोटी छोटी ही होगी, तो थोड़ी सी चिंताएं उन्होंने कम करने का काम किया। अब ये चिंताएं जो कम हुई है उसका असर साफ तौर पर आप एसजेएक्स निफ्टी में देख सकते हैं, जो सेंचुरी मार्कर 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और न सिर्फ हम बल्कि पूरा एशिया मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है, तो हर जगह हरियाली का माहौल है। हाँ, इस बीच कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन पर आपको फोकस करना है। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स फिर से बढ़ते हुए दिखे और डॉलर इंडेक्स 105 के आसपास पहुंचता दिख रहा है, तो ये कुछ एक नेगेटिव फैक्टर्स है, लेकिन ओवरऑल सेटअप बाजारों के लिहाज से देखें ग्लोबल मार्केट्स का मूड बहुत ही गजब। सर डेफिनेटली आज तो जितने भी क्यूज आपने स्क्रीन के सामने दर्शकों के सामने हमने रखे हैं वो काफी जबरदस्त नजर आ रहे हैं। डाओ का प्रदर्शन सर बेहतरीन, 33,000 के पार, 340 अंकों की स्ट्रेंथ। लेकिन आज मेरा सवाल एक्चुअली दो भागों में बटा हुआ है। पहले तो सबसे पहले ऑफ कोर्स अमेरिकी बाजारों की ये स्ट्रेंथ है, हमारे लिए तो पॉजिटिव क्यों ही है पूरी तरह से, 100% इसमें कोई डाउट ही नहीं। और जिस तरह की तेजी बनी है नेहा, इसका अंदाजा बिल्कुल दूर दूर तक हमें था नहीं। हमारे हाँ। बाजारों के बंद होने के वक्त मुश्किल से 30-40 पॉइंट डाउ और नैस्डेक फ्यूचर्स नीचे ट्रेड कर रहे थे। नैस्डेक फ्यूचर्स थोड़ा ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहे थे, 75-80 पॉइंट नीचे थे, डाउ फ्यूचर्स 30-40 पॉइंट नीचे थे। सो लग रहा था कि सुस्ती भरा या हल्की कमजोरी वाला सेशन हो सकता है। जिस तरह से हम दिन के निचले स्तर पर जाकर बंद हुए तो वो डर तो मन में कहीं कहीं था ही, दिमाग में था ही कि भाई अमेरिका में आज फिर से मामला ढीला हो सकता है। लेकिन जिस वजह से अमेरिकी बाजार एक्शन में आ रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अमेरिकी बाजार में आप पिछले दो हफ्ते में देखिए पूरा का पूरा मूव, चाहे वो तेजी की तरफ हो चाहे मंदी की तरफ हो, एक ही चीज़ पर टिका हुआ है, ब्याज दरें। और जितना आप ब्याज दरों पर डिस्कशन कर रहे हैं, जितना ब्याज दरों पर बाजार मूव कर रहा है ऊपर या नीचे की तरफ, जब भी लगता है कि ब्याज दरें तेजी से बढ़ेंगी, आधा परसेंट का खतरा है, अमेरिकी बाजार तुरंत रिएक्शन देकर गिर रहे हैं। तो इस वक्त ग्लोबली सिंगल बिगेस्ट ट्रिगर बाजारों को मूव करने के लिए वो इंटरेस्ट रेट्स का आउटलुक है। और इस लिहाज से 22 मार्च को जो फेड की मीटिंग होगी वो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अब आधा परसेंट एक चौथाई परसेंट और उसके बाद की कमेंट्री उस पर इस बार की मीटिंग ग्रेजुअली अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाती हुई दिख रही है। और कल भी आप देखिए, कल जिस वजह से हम बढ़े, अब आप सोचेंगे कि कौन सा फैसला आ गया 22 मार्च को आएगा। मेरा एक्चुअली सवाल उसी पे था। अच्छा, पूछिए। वो ये कि ये राफेल बॉस्टिक साहब अटलांटा के फेड प्रेसिडेंट, अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारा ये जो पूरे मार्केट्स का, ग्लोबल मार्केट का रिएक्शन है, खासतौर से अमेरिकी मार्केट का रिएक्शन, वो बड़ा ही फेड बयान ड्रिवन हो गया है। स्टेटमेंट ड्रिवन, जिसे आप कहते हैं, पूरी एकदम एग्जैक्टली यही हो रहा है कि स्टेटमेंट्स पे बाजार चल रहे हैं। और जहां भी स्टेटमेंट्स थोड़े से ऐसे दिख रहे हैं कि ब्याज दरें तेजी से बढ़ सकती है, ज्यादा बढ़ सकती है, मामला मुश्किल भरा है, अमेरिका तुरंत उस पर रिएक्शन दे रहा है। कल ये अनएक्सपेक्टेड आया, जो अटलांटा के प्रेसिडेंट थे इनसे किसी ने सोचा नहीं था कि ये भी अच्छा बोलेंगे। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो जो पता है उस पर रिएक्शन कम आता है, जो नहीं पता उस पर रिएक्शन आता है। तो कल 350 पॉइंट बढ़ने का कारण ही ये था, ये भाई साहब अचानक से आए और उन्होंने बोला कि मुझे नहीं लगता है ब्याज दरें जोर से बढ़ानी पड़ेगी। अरे वाह, यही तो चाहते हैं। बाकी फैक्टर्स आप देख लीजिए अलग हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ एक स्टेटमेंट ने कल अमेरिकी बाजारों का मूड बना दिया, ये तो एक ट्रिगर है। लेकिन इसके पीछे की कहानी ये है नेहा कि अमेरिकी बाजार भी बहुत हल्के हैं। ट्रेडिंग इंटरेस्ट सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे बाजारों में कम हो रहा है, वहाँ के बाजारों में भी कमोबेश यही माहौल है। रेंज बाउंड मार्केट है, एक दो दिन ऊपर एक दो दिन नीचे है, टाइम वाइज करेक्शन कंसोलिडेशन, और ऐसे में लोगों का इंटरेस्ट ग्रेजुअली कम हो जाता है। न बड़ी तेजी न बड़ी मंदी, आप सोचते हैं कि अब तो गिरने वाला है जोर से, अचानक कोई अच्छी खबर आती रिकवर हो जाते हैं, लगता है ब्रेकआउट देकर बड़ा तेजी से भागेगा, फिर कोई खबर ऐसी आ गई। सो आई थिंक अमेरिकी बाजार थोड़ा समय बिताने के मूड में है, एक रेंज में वोलेटाइल होके बेस फॉर्मेशन की कोशिश कर रहे हैं अगले बड़े मूव के पहले। सो ठीक है, टेक इट,
तो मतलब माना जाए कि ये जो साल है एटलीस्ट आने वाले महीने या क्वार्टर है वो साल वाल की तो बात ही नहीं करना, अभी पूरा 10 महीने बाकी, या तो 10 दिन में तस्वीर बदल जाती है। दो स्टेटमेंट आए, पता चला 22 मार्च तक की सिचुएशन कुछ बदल गई, गुलाब ब्रेनार्ड साहब आते हैं सब ऊपर नीचे, ऐसा हाल है कि मतलब देयर सो मेनी मूविंग फैक्टर्स। तो इसलिए मेरे ख्याल से इस वक्त बजाय इसके कि हाँ अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तब तो एक अलग ही बात होगी आपके लिए, तो चीजें बहुत साफ है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनके लिए एक्चुअली मैं बताऊं महीने भर का व्यू लेना भी बड़ा मुश्किल काम है। वो तो बिल्कुल सही, मतलब आप इजीली ले नहीं सकते कि भाई इस तरह का व्यू बनेगा। सो अपनी पोजिशनिंग ठीक कर लीजिए भाई, डे ट्रेडर पोजिशनल ट्रेडर है, अपने लेवल्स पे फोकस करना है। खबरें किसी भी तरह की आएगी अच्छी और बुरी, आपको लेवल्स पे फोकस करना है। इन्वेस्टर्स हैं तो उनके लिए अलग तरह की स्ट्रेटेजी है कि भाई शांति से इस तरह का टाइम देखो, बैठो, कौन सा स्टॉक आपकी पसंद का है जो सही करेक्शन के बाद अच्छे लेवल पर आ रहा है वहाँ खरीदना है, या फिर कौन सा शेयर आपका बेचने से रह गया और लॉस में है तो उसको रिव्यू कर लेना है। बिल्कुल सर, ये तो अमेरिकी बाजारों की बात हो गई। आज हम इंसिडेंटली देख रहे हैं एसजेक्स निफ्टी भी कदम ताल कर रहा है, सेंचुरी मार चुका है, और बाकी जितने एशियन मार्केट्स खुले हैं वो भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इनफैक्ट चाइना के लगातार जो डेटा, चाहे मैन्युफैक्चरिंग को हो, आज प्राइवेट सेक्टर का भी आंकड़ा आया है, 8 महीने में सबसे बड़ा जंप, सबसे बड़ा एक्सपेंशन यहाँ से दिखा है। तो पड़ोसी भी ठीक करें तो हमारे लिए अच्छी बात ही होती है। पड़ोसी मानना मत इनको कभी, आप अच्छे वाले नहीं है। अच्छे वाले नहीं है लेकिन है पड़ोसी, मतलब फ्रंट पे देखना पड़ता है। मतलब क्या है ये, बाकी पड़ोसी आप अपने सेम फ्लोर पे या सेम मोहल्ले में वो आप चूज कर सकते हैं, ना ही बने तो उनका घर बदलवा दे या खुद बदल ले लेकिन यहाँ पर ऐसे कि ऐसे पड़ोसी को आप बदल भी नहीं बदल सकते, भी नहीं सकते। ऑप्शन नहीं है, जिंदगी इन्हीं के साथ जीनी है जैसे भी जीनी है। लेकिन एनीवे जो चाइना के डेटा है वो अच्छी मजबूती के संकेत दे रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं कि धीमे धीमे चाइना के डेटा बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, और ये दुनिया भर में जो महंगाई की चिंता है उसको बढ़ा ही रहे हैं क्योंकि इसके चलते एनर्जी के दाम कम नहीं होने हैं। कल दो चीज़ें और इंटरेस्टिंग हुई है, वैसे देखा जाए तो आप कमोडिटीज के दाम देखें तो चाइना की वजह से मजबूत हो रहे हैं। आज हम पढ़ भी रहे थे कि हॉट रोल्स कोइल्स जो हैं उसके दाम इस साल ही, मतलब क्या 2 महीने हुए, 60-65% बढ़ गए। करेक्ट, तो मतलब इतनी ऐसा नहीं कि ग्राउंड लेवल पर डिमांड है और वॉल्यूम में बहुत बढ़त हुई है, लेकिन दाम बढ़ रहे हैं, मतलब एक्सपेक्टेशन में कि डिमांड आएगी उसी में दाम बढ़ना शुरू हो गए हैं, जबकि डिमांड नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो डोमेस्टिक डिमांड भी कम है कंपेरेटिवली पिछले साल के मुकाबले में, ग्लोबल डिमांड भी अभी तक लौटी नहीं है। Correct. लेकिन उस डिमांड आने की उम्मीद में कमोडिटीज भी आजकल अब इक्विटी की तरह बिहेव करने लगी है। सर एक्चुअली इक्विटी को देख देख के कमोडिटी बिहेव कर रही है, लेकिन हैविंग सेड सो जो आपने कहा सर, मेटल स्पेस खासतौर से आयरन एंड स्टील है, उसमें तो ये दिख ही रहा है कि ये जो चाइना फैक्टर है ना कि डिमांड आएगी, अब आ रही है, बगल में है, कोने में है, उसी को देख देख के हमने 3 महीने काट दिए ऐसे तेजी। एब्सोल्युटली, और हो नहीं रहा, लेकिन अल्टीमेटली प्राइसेस पर तो इम्पैक्ट आ ही रहा है। तो जो 2-3 फैक्टर और ग्लोबली इंपॉर्टेंट है, एक चाइना की हमने बात की, 2 फैक्टर और जिस पर आपको फोकस करना है जो अच्छे नहीं है। कई बार क्या होता है कि जब परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो आपकी कमजोरियां छुप जाती है, जैसे कि डाउ ने 350 पॉइंट चढ़ा दिए तो इसके बीच में डॉलर इंडेक्स फिर से 105 के आसपास आ गया, जो चिंता की बात है। बॉन्ड यील्ड्स थोड़ी और बढ़कर आई है, 4% के ऊपर उसके आसपास है, वो चिंता की बात है। तो ऐसा नहीं कि बाकी चिंताएं आपकी खत्म हो गई है, 105 के आसपास डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड आपकी 4 महीने के हाई पे 4.05 है। तो ये चिंताएं तो है ही, ठीक है, किसी दिन आप किसी एक फैक्टर पर रिएक्शन देते हैं, और कल का रिएक्शन अटलांटा के जो राफेल बॉस्टिक, हाँ, उनके बयानों पर था। सो ओवरऑल ठीक है, आज हफ्ते के अंत करने के लिए ग्लोबल संकेत, अब इससे ज्यादा की उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए, इतने मिल गए, शुक्र मनाओ। ओके, तो सर माना जाए कि आज कोई नो टेंशन नो परेशानी, अपनी वीकली जो क्लोजिंग है वो एक ठीक ठाक नोट पर होगी। नया प्रॉब्लम एक हमारे यहाँ बाजारों की जो दिख रही हुई है कि जैसे आप ये सोचते हैं कि बाजार नीचे जाकर बहुत ज़्यादा जोर से घटने को तैयार है, हाँ, तुरंत ऊपर आने की कुछ ना कुछ वजह बन जाती है। okay. और जैसे लगता है कि ब्रेकआउट देकर करेक्शन पूरा कर दिया, अब वापस से रिकवरी के आसार बनेंगे, फिर किसी न किसी रीजन से आपको बिकवाली फिर से आती हुई दिखिए। ये पूरा हफ्ता उस लिहाज से थोड़ा वोलेटाइल रहा है, और एक्चुअली देखा जाए तो एक तरफा गिरावट होने के बाद जो 18,135 से आपने शुरू की है गिरावट, बजट के दिन के हाईस के आसपास है, वहाँ से जो गिरावट आपकी हो रही है वो एक तरह से अच्छी है, और वॉलेटिलिटी जो हो रही है वो एक तरह से अच्छी है। इस वॉलेटिलिटी में भारतीय बाजार भी कहीं कहीं एक बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। Okay. ये एक अच्छा संकेत है कि आप 17,300-17,400 के आसपास मल्टीपल सपोर्ट ले रहे हैं। अब बड़ा मुंह आने के पहले
यहाँ पर बाजार थोड़ा वक्त बिता रहे हैं। अब बड़ा मूव दो तरीके से हो सकता है, या तो नीचे की तरफ आए या ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ में आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आज वीकली क्लोजिंग भी है 17,250 मान लें। अगर 17,250 के नीचे आप बंद होते हैं तो आप नई मुश्किल में पड़ रहे हैं, क्योंकि ये पूरे फरवरी महीने का और इस महीने का लोएस्ट लेवल है 17,250 जो आपने छुआ है। ठीक है, तो उसके नीचे जाकर अगर आप वीकली क्लोजिंग दे रहे हैं तो खराब है, वहाँ से आप ज़्यादा दूर नहीं, 50-75 पॉइंट ही दूर है। तो 17,250 को आप नीचे की तरफ मान लीजिए। ऊपर की तरफ जब तक आप 17,550 ब्रॉडली मान लें, 17,550 के ऊपर बंद नहीं होता है तब तक आप खतरे से बाहर नहीं, तब तक नीचे की रिस्क खुली हुई है। सो 17,250-17,550 ये दो लेवल आपके क्लोजिंग बेसिस पर हो गए। ठीक है, बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 39,900 इसके नीचे अगर आप बंद होते हैं तो आपके लिए रिस्क है 39,900। जब तक 39,900 को आप क्लोजिंग बेसिस नहीं तोड़ रहे तब तक कोई खास बड़ी समस्या नहीं है। छोटी क्लोजिंग कम रिस्क वाली 40,250 की है, जो आज के लिए इंट्राडे आज के सिर्फ एक दो दिन के लिए जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए 40,250 क्लोजिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। कल भी हमने उससे बचा लिया, आज भी बचाएंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ 40,700 के ऊपर बंद होते आप थोड़े सेफ होने लगेंगे, लेकिन 41,000 के ऊपर जिस दिन क्लोजिंग मिली आप ये मान लीजिएगा कि 39,600 का जो हमने लो बनाया है बजट के बाद में, बजट के दिन तो हमने 39,500 के आसपास बनाया था, तो 39,400-39,600 आपका बॉटम बन गया, फिर आप आसानी से उसे नहीं तोड़ेंगे, उसके लिए 41,000 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप वीकली डेली बेसिस पे क्लोज कहाँ होते हैं। दिन के दौरान आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी बात यह आज के सेशन के लिए कि आप वीकली सीरीज खत्म कर चुके हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा इस वीकली सीरीज में पहली बार लोगों का मूड बना कि थोड़ा खरीदा जाए, बुधवार को मूड बनाया, गुरुवार को पिटाई होगी, पोजीशन भी हल्की होगी। तो हल्के बाजार हैं आज, ग्लोबल संकेत थोड़े से बेहतर हैं, बढ़ने के लिए एक ठीक ठाक से क्लोजिंग देने के लिए आपके पास सारा माल मसाला है। अच्छा। अब आज भी अगर हम परफॉर्म नहीं कर पाए लानत है फिर। तो अच्छा सर, इसी में एक्सटेंडिंग टू दिस ओनली, अभी जो FII डेटा या FII DII का जो परफॉर्मेंस है उस पे मैं आपका एक व्यू जानना चाह रही थी, वो कैसा है? कल के डेटा को देखकर कूदना नहीं है कि 13,000 करोड़ की 12,800 करोड़ की FII ने बड़ी खरीदारी कर ली। एक्चुअली उसमें ढेर सारी डील्स अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की है, तो इसलिए FIIs के डेटा में काफ़ी कुछ अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, 15,548 करोड़ का टोटल उन्होंने बेचा है। सो आई थिंक अब उसमें कितना FIIs ने लिया है, कितना लोकल ने लिया है, एग्जैक्टली निकाल पाना मुश्किल काम है। सो मेरे ख्याल से FIIs के डेटा आप देख रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप FNO के डेटा देखिए। FNO में 532 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं और 2,500 करोड़ के आसपास की स्टॉक्स की बिकवाली है। अब स्टॉक्स की बिकवाली हो सकता है थोड़ी बहुत अदानी ग्रुप शुरू की हो, थोड़ी बाकी हो। सो इसलिए कल के डेटा को मैं बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज करने की कोशिश नहीं कर रहा। और 2,130 करोड़ की लोकल फंड्स की खरीदारी आई है, वो ठीक है, वो अपने हिसाब से अपनी ताकत से खरीद रहे हैं। सो आई थिंक, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी लोकल फंड में अदानी के शेयर तो किसी ने लिए होंगे, लोकल म्यूचुअल फंड में होंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है जो भी अगर खरीदारी हुई होगी तो या तो अगर इंस्टीट्यूशन में तो भारी होगी FIIs की। सो लोकल फंड के डेटा मेरे इसमें सबसे ज़्यादा काम के, 2,2100 करोड़ की खरीदारी के जो है वही सबसे काम के। इसलिए बाकी और कोई बड़े डेटा में पढ़कर कई लोगों को लगता है अच्छा 12,700 करोड़ तो कैश में, 18,200 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर, ओहो 30,000 करोड़, अरे 30,000 करोड़ की स्क्रीन थी क्या? 30,000 करोड़ खरीदे और अगर मार्केट 125 पॉइंट नीचे बंद हो निफ्टी पे, डजंट मेक सेंस भाई। तो फिर ऐसा 30,000 करोड़ किसकी ताकत है जो बेच गया? सही बात, ये तो है नहीं ना। सो इसका मतलब क्लियर है कि डेटा में एडजस्टमेंट्स हैं, उन एडजस्टमेंट्स को हट के देखिए। 30,000 करोड़ में तो 18,887 हो जाएगा निफ्टी। सही बात है। लाइफ हाई। सर अब क्यूज पे नजर डालें। ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर है आज नया, और FIIs के संकेत मैंने इसलिए कंफ्यूजन के माहौल में न्यूट्रल रखे हैं, पता नहीं कितना खरीदा कितना बेचा भगवान जाने, न्यूट्रल। लोकल फंड्स के संकेत है पॉजिटिव, वायदा कारोबार के हैं संकेत न्यूट्रल, सेंटिमेंट भी न्यूट्रल है, ट्रेंड आपका नेगेटिव बना हुआ है अभी भी। ओके, तो एक ट्रेंड नेगेटिव है, बाकी सब इधर न्यूट्रल और पॉजिटिव। ठीक है, तो सर निफ्टी के लिए दिन की महत्वपूर्ण रेंज कौन सी रहेगी सर, जहाँ फोकस करना? 17,300-17,350 आप 17,321 पे बंद हुए, 17,300-17,350 पहले आपके लिए सपोर्ट का काम कर लेगा गैप से खुलने के बाद। इसके नीचे के चांसेस कम है, लेकिन नोट करके रखें 17,175-17,250 मजबूत खरीदारी कीजिएगा। ऊपरी स्तर पर 400-450 पहली रेंज होगी, राधर 465 मोर प्रिसाइसली 17,400-17,465 इस रेंज पर फोकस करिए।
इस रेंज को पार करके निकले टिके तो 17,500 से लेकर 17,550 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 40,275, 40,375, 40,375 के आसपास ही आप बंद हुए, तो वही रेंज आपके लिए पहले सपोर्ट का काम करेगी और ऊपरी स्तर पर इसको पार करके टिके तो माफ कीजिए नीचे 40,000-40,075 बहुत ही स्ट्रॉन्ग खरीदारी की जगह यहाँ पर आए तो जरूर आपको खरीदारी करनी चाहिए। ओके, अब आया हाई रेंज 40,575-40,775। एक बार तो आज इस रेंज में पहुंचेंगे, टाइम पास करेंगे, देखेंगे और कितनी ताकत है, कितनी और मजबूती बन सकती है। निकले टिके तो 40,875-40,975 वो जगह जहाँ पर आने पर प्रॉफिट बुकिंग भी होनी चाहिए और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो मूड माहौल देखकर वहाँ पर शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं। ओके सर, इंडेक्स और पीसीआर सर? इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन 18% से घटकर 15% आई है, एफआईएस की अच्छा है, कंफर्ट है, इस वजह से एफआईएस की इंडेक्स में सेलिंग होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। पुट कॉल रेशियो निफ्टी का स्टेबल है, बैंक निफ्टी का जो थोड़ा ओवरबोर्ड था घट गया, 1,14 से 76 आ गया, ये भी एकदम कंफर्टेबल है और विक्स बिना बदलाव के रहा है तो कोई खास बदलाव है नहीं। ठीक है सर, अब मौजूदा लॉन्ग पोजीशंस पर एक ही स्टॉप लॉस है, 17,250 17,321 पे आप बंद हो, 17,250 इंटरडे क्लोजिंग ये रखना है, चाहे तो आप 25 पॉइंट अपने हिसाब से थोड़ा सा नीचे 25-50 पॉइंट करना चाहें तो कर दे, स्टॉप लॉस 17,250 निकल के आता है, कई बार होता है ना टच एंड गो, तो आपको 17,225-200 करना तो करें, बाकी 17,250 एकेडमिकली स्टॉप लॉस है और बैंक निफ्टी का भी एकेडमिकली स्टॉप लॉस 40,250 है। जिनको दूर डीप रखना है 39,900 का रखें, मेरे ख्याल से गैप से खुलने के बाद 40,250 काफ़ी है, यानी कि कल का लो तोड़ते हैं तो आपको फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लेना चाहिए और 1, 2, 3, 4 दिनों का क्लोजिंग लो तोड़ते हैं, चार दिनों में सबसे लोएस्ट क्लोजिंग आपको 40,270 की मिली है, उसके नीचे बंद होते हैं तो फिर थैंक यू कर लेना चाहिए। अच्छा, क्योंकि आप पूरे हफ्ते 40,270 के नीचे बंद नहीं हुए तो आप हफ्ते के आखिरी दिन क्यों होना चाहते हैं बंद, वो भी अच्छे मजबूत ग्लोबल संकेतों में, तो फिर इसका मतलब प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम है, तो फिर बेच देना है। ओके, इसलिए स्टॉप लॉस आज छोटे दिए मैंने दोनों में, निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों देखो बहुत नजदीक के स्टॉप लॉस है, गैप अप ओपनिंग को एडजस्ट करके। ठीक है, अब आइए शॉर्ट साइड पर, 17,500 ये आपका स्टॉप लॉस होगा, 17,465 का ही आपने परसों बनाया है, 17,500 इसके ऊपर इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे आपको स्टॉप लॉस रखना, एक ही लेवल है, चाहे तो 17,550 भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर है। ठीक है, और बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस ये होगा 40,800 का इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे, 40,800 का हाई आपका परसों का था 775 का, जिसको थोड़ा डीप दूर का लगाना है या 41,000 का लगा सकते हैं, जैसे बैंक निफ्टी, जैसे निफ्टी में 17,550 का है ना, 50 पॉइंट की कुशन है, बैंक निफ्टी में भी थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस लगाना तो 200 पॉइंट की कुशन 41,000 आपके रिस्क के हिसाब से। ठीक है सर, नई पोजीशंस खरीदें निफ्टी और खरीदना है 17,250 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट जो बनेंगे तीन छोटे वाले हैं 17,400-425 और 17,450। ओके, और तीं मीडियम बड़े जो मान लें आप 17,500-525-550। ठीक है, एग्रेसिव ट्रेडर्स बहुत आसानी से 400-425-450। 465 भी था लेकिन मैंने राइमिंग के चक्कर में लिखा नहीं। अच्छा, जब राइमिंग बन रही तो क्या एक आध लेवल छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है। याद रखना कितना ईजी है, बहुत आसान हो जाता है सर, डेफिनेटली एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। और बेचना है 17,450 से मूड बनाए, जरूरी नहीं कि वहाँ बेच ही देना, लेकिन मूड बनाना है जरूर है बेचने का, अगर मौका लगे तो वहीं से शुरुआत कर दें, तीन टुकड़ों में बेचेंगे तो बहुत बढ़िया, 450-500-550 टुकड़ों में आप बेचते रहिए, स्टॉप लॉस होगा आपका 625 या 650 का, टारगेट जो बनेंगे 17,400-350 दो छोटे टारगेट, 325-302 मीडियम टारगेट और 250 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको ऊपर बिकवाली भी। ओके, ये निफ्टी हो गया। ठीक है सर, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी ऐसा नहीं, अगर मैं आपके साथ कर रहा हूँ बहुत स्पीड से जा रहे हैं सर, आप हम लोग आराम से भी जा सकते हैं। मतलब अच्छा, ओके, बैंक निफ्टी यहाँ पर खरीदारी की राय, ये भी ठीक है, बिल्कुल सही है सर। यहाँ पर खरीदारी करने की राय 40,250 होगा आपका स्टॉप लॉस, जो कल के लो से थोड़ा नीचे का, 40,250 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदे। अगर किसी को स्टॉप लॉस दूर रखना है वो 40,000 का रख सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि गैप से खुलने के बाद ज़्यादा दूर का स्टॉप लॉस रखना नहीं चाहिए, 40,250 एकदम परफेक्ट है स्टॉप लॉस। टारगेट जो बनेंगे 40,500 और 40,575 दो छोटे टारगेट,
40,700 और 40,750 दो मीडियम टारगेट, फिलहाल इसके ऊपर का टारगेट मैं देख नहीं रहा, लेकिन पता नहीं मूड माहौल बन जाए, डाउ फ्यूचर अभी तो फ्लैट है, ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा, लेकिन बढ़ जाए 100-150 ऊपर हो जाए तो यू नेवर नो। बैंक निफ्टी कभी से ट्राई तो कर ही रहा है कि मुझे थोड़ा और ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, गिरना भी कम है बढ़ना भी ज़्यादा है, सो हो सकता है दिस इज द डे 40,875 40,975 वहाँ तक के टारगेट खुल सकते हैं अगर आप 40,800 के ऊपर टिकते हैं तो। ओके, बेचने की राय, यस बेचना है। और नया देखिए आज निफ्टी में भी मैंने बेचने की राय एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए दी थी, उसका मतलब ये कि आपको अगर गलती से कोई ब्रेकआउट के संकेत हफ्ते के आखिरी दिन आ जाए तो स्टॉप लॉस जरूर लगाकर ट्रेड करना है और एक्टिवली ट्रेड करें तो ही आप करें। तो सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी हम जो बेचने की राय दे रहे हैं वो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए है और उन्हें बेचना शुरू करना है 40,775 से 40,700 पे रिव्यू करना है। हो सकता है वहां पे भी एक मौका बन जाए, मैं भी नहीं कह रहा। अच्छा। उस समय फॉर एग्जांपल आप 40,700 पे आए और डाओ आपका 75-80 पॉइंट नीचे हो गया, 100 पॉइंट नीचे हो गया, तो वहां भी सोच सकते हो। सो माहौल आपको देखना है उस वक्त का क्या है, अदरवाइज 40,775 से लेके 40,975 तीन टुकड़े होते हैं, 775, 875 और 975, इन तीन जगह अगर आप बेचेंगे और स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको 41,150 का, थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस सर यही लगाना है। अगर ये स्टॉप लॉस आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो ना करें, ट्रेड ना करें। इसीलिए आपने क्लियर मेंशन किया अग्रेसिव ट्रेडर जो सेल साइड में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए 100%, क्योंकि कुछ कुछ चीजों में क्या होता है आप छेड़छाड़ करेंगे, छोटा स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करेंगे ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टॉप लॉस जो है तो वो आप रिस्क समझ के ही ट्रेड करिए। टारगेट 40,725 और 40,600 दो छोटे टारगेट हैं, 40,525 मीडियम टारगेट है, 40,375 और 40,300 के फाइनल टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। ये है आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर रहा है। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग न्यू पोजीशंस निफ्टी बैंक निफ्टी की सेल और बाय साइड दोनों की समझ ली। सर एफएनओ, एफएनओ के डेटा में नेहा देखिए ज़्यादा पोजिशन तो वैसे है नहीं, एक ही इंपॉर्टेंट डेटा है आज आपके लिए और वो है 17,400 का लेवल। 17,400 के कॉल्स में 65 लाख शेयर हैं, ऑलमोस्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 17,400 के कॉल्स पर, तो 17,400 मेक और ब्रेक है। 17,400 से आप तेजी गिनिए और 17,400 के नीचे आप ये समझ के चलिए कि ठीक है थोड़े बढ़ गए कोई बात नहीं, लेकिन मजबूत नहीं है। ओके, समझिए आप 17,425 है तो कितनी तेजी मानेंगे, 25 पॉइंट की, दिमाग में ये बिठा लीजिए। 17,450 है यानी 50 पॉइंट ऊपर है, न कि 125 पॉइंट ऊपर, तो बस 17,400 से गिनना है अपने को तेजी। ठीक है, 17,400 के नीचे है तो बस ठीक है, हल्की फुल्की बाउंस है ये, ठीक है वो उतना ही, ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है। 400 से गिनना शुरू किया, हल्की फुल्की रुकावट 17,500 पर, कोई खास नहीं। तो डेटा एक ही इंपॉर्टेंट है पूरा निफ्टी में, 17,400 का कॉल ऑप्शन। बैंक निफ्टी बहुत ही छोटा डेटा है, नॉट वर्थ डिस्कसिंग। 40,500 के कॉल्स पर हाइएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 19 लाख शेयरों का, चाहे तो आप यहाँ पे भी कह सकते हैं 40,500 से तेजी गिनी है, 125 पॉइंट बढ़ जाए तो खुश मत होइए, 40,500 के ऊपर से ट्रेड करना शुरू करेगा, वहाँ से एक पॉइंट गिनना है, तो 40,500 यहाँ पर वो मिडफील्ड है हाँ, जैसे 17,400 बस। ठीक है, पॉइंट टेकन। चलिए हमने ये तो समझ लिया कि ब्रॉडर मार्केट्स में कहाँ सपोर्ट्स हैं, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, क्लोजिंग लेवल कहाँ आपको वॉच करके चलना है, लेकिन अब हमारी रिसर्च टीम हमारे साथ पूरी तरह से तैयार होकर जुड़ चुकी है। हमारे साथ अरमान, नुपुर, आशीष हैं। ओके, सो थ्री पीपल, ऑल ऑफ देम आर देयर इन द स्टूडियो, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं नुपुर आपसे, बताइए आज क्या डिटेल्स हैं आपके पास, कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स पर रखनी नजर। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज से MCX पे जो मिनी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है क्रूड को लेकर वो लॉन्च हो जाएंगे, तो जो छोटी साइज के अवेलेबल होंगे ऑप्शंस आपके पास तो आप ट्रेड कर सकते हैं। ग्लोबल की बात करें तो इमरजेंसी मीटिंग है रशिया की जो सिक्योरिटी काउंसिल। नुपुर जरा नया बैठे तो थोड़ा फायदा तो लेगा, ये मिनी क्रूड क्या होता है, मतलब सर मिनी छोटा टैंक बड़ा टैंक तो हमें पता है बाहर में होता है। सर इसमें क्वांटिटी कम होती है, जो मेन होता है उसमें 100 बैरल होते हैं। अच्छा, और इसमें 10 बैरल। अच्छा, 100 बैरल अगर मैं खरीदूं, हाँ? मेरी गाड़ी में कितने दिन तक कितने दिन तक, मतलब कितने दिन का सर, पहले आप ये सोचिए आप रखेंगे स्टोरेज का प्रॉब्लम है, स्टोरेज का प्रॉब्लम है। तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा? सर मिनी कॉन्ट्रैक्ट छोटा होता है, आइडिया ये है कि वॉल्यूम्स अब बढ़ाने की यहाँ पर बात हो रही है। हमने पहले भी देखा था मेटल्स के मिनी, अभी हाल फिलहाल में MCX ने हमारी उनके हेड से भी बात हुई थी कुछ समय पहले, जिंक का उन्होंने मिनी लॉन्च किया, फिर एल्युमिनियम का लॉन्च हो गया, गोल्ड का भी आया था,
सर गोल्ड तो काफी पहले से है, गोल्ड का तो माइक्रो भी है, चांदी में भी मिनी है। अच्छा हाँ, तो बेसिकली ये सारे वॉल्यूम क्रिएटर्स है। अब गोल्ड में एक किलो का सोना एक एक लॉट में उठाना इज वेरी डिफिकल्ट, मार्जिन भी बहुत हैवी होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए कोशिश की गई है कि जितने आप मिनी एंड माइक्रोज लेकर आ सके ताकि यहाँ पर वॉल्यूम पार्टिसिपेशन। चलो बढ़िया, तो क्रूड के भी मिनी मिनी लॉट्स आपको ट्रेड करने को मिले। जी नूपुर जी बताइए आगे। बिल्कुल सर, ग्लोबल से इमरजेंसी मीटिंग है रशिया के सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसकी अध्यक्षता पुतिन साहब करेंगे, तो यहाँ पर नजर रहने वाली है। आईपीओ चल रहा है डिग्री टीसीएस का, तो इसका भी यहाँ पे अपडेट बताती हूँ। सेकेंड डे का अपडेट है, क्यूआईबी देखे तो 0.06 टाइम्स भरा है, टोटल देखेंगे तो करीबन 0.38 गुना ये भरकर अभी तक भरा है अभी तक, और आज इसका आखिरी दिन है तो आज ये क्लोज हो जाएगा। इसके अलावा जो खबर सबसे आज सुबह आती दिखी है, जहाँ पे जो क्लास 8 ट्रक की बिक्री है उसकी डिटेल सामने आई है, तो भारत फोर्ज, आरके फोर्जिंग, समर्थन मर्दन सुमी और जीएनएक्स है आज भी फोकस में रहने वाला है, क्योंकि फरवरी में नॉर्थ अमेरिका के जो क्लास 8 ट्रक बिक्री है उसमें वाई बेसिस में, मतलब पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो 10% की ग्रोथ आपको नजर आएगी, और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखेंगे तो 6% की ग्रोथ है, और इस महीने करीबन 22,788 यूनिट्स बिके हैं। महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज का भी आज अपडेट आते दिखा है, फरवरी में कुल डिसबर्समेंट्स की बात करें तो वहाँ पे आपको 53% की ग्रोथ दिखेगी पिछले साल के कंपैरिजन में। कलेक्शन एफिशिएंसी की बात करें तो वहाँ पे 98% से घटकर इसमें 97% के आसपास आते दिखा है, और जनवरी के मुकाबले फरवरी में जो लोन बुक है वहाँ पे डेढ़ गुना की बढ़त इस बार फिलहाल नजर आई है। मॉल की बात करें तो यहाँ पे फरवरी महीने का प्रोडक्शन और सेल्स का अपडेट है, जहाँ पे मैगनीज ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो 10% से पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़कर आया है, और मैगनीज ऑयल की जो सेल्स हुई है इस महीने वो बात करेंगे तो वहाँ पे 19% की ग्रोथ आपको नजर आएगी। और लास्ट में नाटको फार्मा, जहाँ पे 8 मार्च को बोर्ड बैठक है, शेयर बायबैक के प्रस्ताव पर बोर्ड विचार करेगी, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। ओके, चलिए नुपुर ने आपको बता दिया महत्वपूर्ण ट्रिगर्स और कुछ खबरें जिनके दम पर एक्शन दिखेगा, लेकिन स्टॉक्स एंड न्यूज की अच्छी खासी लिस्ट अरमान के पास भी तैयार है। अरमान मॉर्निंग बताइए। जी, सबसे पहले यस बैंक और एसबीआई पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि राउटर्स के हवाले से एक खबर आती हुई दिखी है कि यस बैंक में हिस्सा जो है एसबीआई घटा सकती है, और लॉक इन खत्म होने के बाद हिस्सा जो है एसबीआई घटा जब अपनी हिस्सेदारी है वो घटा सकती है। अलम्बिक फार्मा, यहाँ पर एक अपडेट आता हुआ दिखा है, 1150 करोड़ के जो है वो इम्पेयरमेंट चार्जेस लेंगे, और ये इम्पेयरमेंट चार्जेस के जो 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं उसको लेकर जो है ये इम्पेयरमेंट चार्जेस जो है वो लेने वाले हैं। जिंदाल स्टेनलेस हिसार पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मर्जर को लेकर कंपनी का एक अपडेट आता हुआ दिखा है। जिंदाल स्टेनलेस हिसार और जेएसएल लाइफ स्टाइल की कंपोजिट स्कीम और अरेंजमेंट जो है उसकी रिकॉर्ड डेट 9 मार्च जो है तय की गई है, और इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे कंपनी ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज या दिल्ली एनसीएलटी और हरियाणा में आज जो है आदेश का सर्टिफिकेट कॉपी जो है वो भी फाइल किया है। अडानी ग्रुप पर आपको अपडेट आता हुआ दिखाया, क्योंकि अडानी ग्रुप के शेयरों में लगभग 15,500 करोड़ के आसपास की जो है वो पूरी जो है ब्लॉक डील हुई है, जिसमें अगर आप देखेंगे GQG पार्टनर्स के साथ जो है ये ब्लॉक डील हुई है, जिसमें अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट और अडानी ग्रीन में जो है हिस्सा बेचा गया है। वोडाफोन आइडिया, वहाँ पर देखेंगे तो पूंजी जुटाने के लिए टीमसेक और KKR समेत कई ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फंड से जो है वो बातचीत जारी है। और अंत में PTC इंडिया पर अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर प्रमोटर की कंपनी में हिस्सेदारी बेचे की कोई भी जो है योजना नहीं है, ये भी एक अपडेट आता हुआ दिखा। ओके, चलिए, तो ये वो खबरें हैं जिनमें जिनके कारण इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में एक्शन दिखेगा, और आपको भी यहाँ पर कमाई के भरपूर मौके मिलेंगे, तो इन खबरों को, इन क्यूज को और इनके इम्पैक्ट को मिस मत करिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे FIR यानी FIR इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। चलिए, तो किन शेयरों पर विदेशी ब्रोकरेजेस की है नजर बताने के लिए आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष मॉर्निंग, पहले तो ये बता दीजिए कि कौन से सेक्टर पे आज फॉरेन ब्रोकरेजेस ने पर्टिकुलरली फोकस किया है या रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं। गुड मॉर्निंग नेहा, देखिए सबसे पहले सीमेंट स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर गोल्डमैन सैक्स की तरफ से काफी बड़ी कवरेज आई है, बहुत सारे स्टॉक्स पर रेटिंग और टारगेट प्राइस में इन्होंने बदलाव किया है। शुरुआत करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट पर, जहाँ पर इन्होंने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य है वो 7,650 से बढ़ाकर 8,500 कर दिया है, 7,290 के करीब की कल की क्लोजिंग है, और मान रहे कि ग्रोथ की विजिबिलिटी काफ़ी बढ़िया है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, और जो वॉल्यूम ग्रोथ इंडस्ट्री देखेगा वो होगी करीब करीब 6 से 8% की, लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट करेगा आउट परफॉर्म, क्योंकि 10 से 12% ग्रोथ का अनुमान यहाँ पर ही लगा कर चल रहे हैं, तो यहाँ पर आप रखेंगे खास नज़र। लेकिन श्री सीमेंट यहाँ पर आज आपको दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने कर दिया है डबल डाउनग्रेड, यानी पहले न्यूट्रल की राय थी, अब सीधे तौर पर बिकवाली की राय है, और लक्ष्य अगर आप देखें तो थोड़ा सा एडजस्ट किया उन्होंने,
22,100 से बढ़ाकर 23,550 कर दिया है। हालांकि स्टॉक चल रहा है 26,577 के ऊपर। डालमिया भारत यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने रेटिंग को कर दिया डबल अपग्रेड, यानी पहले बिकवाली की रहती अब न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं। और लक्ष्य अगर आप देखें तो उन्होंने बढ़ाया है 1725 से बढ़ाकर 1950 कर दिया है, 1846 की क्लोजिंग है। अंबुजा सीमेंट्स पर गोल्डमैन सैक्स ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य काटा है 428 से 375। और ACC पर भी न्यूट्रल की रेटिंग है, लक्ष्य 2315 से घटाकर 2035 कर दिया, 1801 की क्लोजिंग है। यानी कि दो पे अपग्रेड है, अल्ट्राटेक और साथ ही डालमिया भारत पर जी, और बाकी है डाउनग्रेड आपके श्री सीमेंट, अंबुजा, ACC, एक तरह से सबके टारगेट काटने। डालमिया भारत न्यूट्रल हो गया तो मतलब बढ़िया उनको अल्ट्राटेक ही लग रहा है, सबसे बेस्ट लग रहा है ना, सबसे बेस्ट क्या एक ही बढ़िया लग रहा है ईमानदारी से, क्योंकि देखो डालमिया भारत का भी टारगेट 1950 ही रखा, 1850 पे तो ऑलरेडी चल रहा है। यानी जी ओके आशीष, ये भी बताइए कि और भी कोई ऐसी कंपनीज हैं, स्टॉक्स हैं जिन पर फोकस किया है ब्रोकरेजेस ने? नहीं, देखिए M&M फाइनेंस यहाँ पर भी क्वार्टर जो अपडेट आया इसके बाद, बिजनेस अपडेट के बाद मॉर्गन स्टैनली ने रिपोर्ट निकाली, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। फरवरी महीने का जो अपडेट है इसमें टारगेट दिया इन्होंने 310 का, 253 की क्लोजिंग है। ये मान रहे डिसबर्समेंट और कलेक्शन देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे, तो यहाँ पर खास नजर रखेंगे। गेल पर भी फोकस रहेगा क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 103 की क्लोजिंग है, 124 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। और मान रहे कि जो सरकार ने नए पाइपलाइन टैरिफ प्रपोज किए हैं इससे थोड़ा सा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आगे विस्तार से समझेंगे इसे। लेकिन सिटी देखिए खरीदारी की राय को बरकरार रखें और ये भी बुलिश है क्योंकि 103 की क्लोजिंग, 110 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया है। कोफोर्ज यहाँ पर नजर रखेगा, HSBC खरीदारी किराए के साथ कवरेज की शुरुआत कर रहे हैं, 5,310 रुपये के लक्ष्य के लिए 4,250 की क्लोजिंग है। HDFC लाइफ CLS से बिकवाली किराए दे रहे हैं, 483 की क्लोजिंग, 460 का टारगेट। NTPC पर मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, 198 का टारगेट है। L&T पर मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 2,401 रुपये के लक्ष्य के लिए। और अंत में HCL टेक, यहाँ पर सिटी की तरफ से भी रिपोर्ट है जहाँ पर न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1,106 की क्लोजिंग है, 1,035 रुपये का लक्ष्य दिया। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट जिन पर रहेगा आज भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल शुक्रवार की सुबह, हफ्ते के आखिरी दिन, वक्त है दोनों सेम एकदम, क्या बात है, सेम कलर, गजब, दूर से तो दोनों भाई भाई लग रहे हैं एकदम। आइए पिक ऑफ द डे, ये तो अच्छा हुआ कि कम से कम बैकग्राउंड दोनों का अलग अलग है, सचिन जी का, राकेश जी का, नहीं तो ऐसा लगता है कि ये एक साथ ही तो नहीं बैठे हैं। ओके, और टी शर्ट की कॉलर वॉलर सब कुछ ऑलमोस्ट सेम, हेयर स्टाइल सेम है, कलर कॉम्प्लेक्शन सब कुछ सेम लग रहा है। आइए सुप्रभात बंसल जी, शुरुआत करें, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात नया, पहले तो मतलब कि सब लोगों को मैं बता दूं जो अभी कनेक्ट नहीं हुए हैं लेकिन ऑडियो कनेक्टेड होगा, तो आज दीप की जगह नया है, तो गुड मॉर्निंग दीप नहीं, गुड मॉर्निंग नया बोलना है। और पिक ऑफ द डे जो है वो गेल है, उसके बाद भी कोई गलत बोले ना तो छोड़ना मत, बस पूरी खिंचाई कर देना। नहीं अनिल जी, तभी तो बोला है कि आप बोलने के बाद भी किसी ने बोला तो अनिल जी खिंचाई तो होगी उसकी। हाँ बिल्कुल, बताए सर। अनिल जी पिक ऑफ द डे गेल है, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक बड़े अपमूव के बाद दो दिन साइडवेज हो गया था, अब चलने के लिए दोबारा से रेडी है, तो 100 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 108 रुपए के लक्ष्य के लिए गेल है पिक ऑफ द डे। ओके, तो गेल ये है स्टॉक जो खरीदारी करने के लिए, पिछली बार भी गेल का कॉल बहुत ही जबरदस्त आता दिखा बंसल जी की तरफ से भी, कुणाल जी ने भी उसके बाद में यहाँ पर दिया, तो आज दो रिपोर्ट भी है गेल पर बात निकली तो मैं बता दूं आपको। पहली रिपोर्ट है सिटी की तरफ से, उन्होंने टारगेट दिया है 110 का, लेकिन सिटी से भी और बेहतरीन रिपोर्ट है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, जिन्होंने टारगेट रखा है 124 रुपये का गेल के लिए। तो ये है आपके लिए दो रिपोर्ट भी जिनका सहारा गेल के स्टॉक को आज मिलने की पूरी पूरी उम्मीद, और बाकी तो बंसल जी को पसंद है। सचिन जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा। अनिल जी यहाँ पर लगातार 8 हफ्तों की बिकवाली के बाद हीरो मोटोकॉर्प में प्राइस एक्शन काफी स्टेबल रही है पिछले 3 दिनों से। इनफैक्ट यहाँ पर अगर हम मंगलवार का डेटा देखें तो वहां पर जरूर एक स्विंग बॉटम बना था, बट कैंडलस्टिक के लिहाज से एक ग्रेवस्टोन डोजी यहाँ पर एस्टैब्लिश हुई है। प्लस अगर इसका RSI देखें तो वहां पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है,
एंड जिस तरीके से पिछले 2 दिनों का ओवर एडिशन है यहाँ पर, कहीं जाकर यू नो फ्रेश लॉन्ग एडिशंस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा नजर आ रही है, तो यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी करने की सलाह होगी। पोजिशनली मुझे लग रहा है 2560 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए ऑन द हायर साइड, एंड स्टॉप लॉस आपको ट्रेडिंग के लिहाज से लगाना है अराउंड 2420 पे, एंड खरीदारी करनी है हीरो मोटोकॉर्प के फ्यूचर्स में। हीरो मोटोकॉर्प, ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय सचिन जी की तरफ से। स्टॉक में रिवर्सल के संकेत साफ तौर पर मजबूती से आते दिख रहे हैं। आइए, दो और खास मेहमान हैं हमारे साथ तैयार, कुणाल जी और सुमित जी। सुमित जी, ये भी एकदम सेम, क्या बात है, ट्वाइनिंग टुडे। वाह, आज तो मतलब एकदम बिल्कुल लोगों के जोड़े से आने का सिलसिला चल रहा है। सही बात, बहुत ही बढ़िया, वाह क्या बात है। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आज कोई खास वजह आप प्लानिंग करके आए? वैसे ऐसा देखा जाए तो नेहा हमारा भी, हम कलर काफी मैच हो रहा है। हाँ, ओहो गजब, मैचिंग मैचिंग आज तो गजब होती दिख रही है। हमने तो प्लानिंग नहीं की, आप कोई प्लानिंग करके आए कुणाल जी? अनिल जी देखिए, प्लानिंग कोई काम नहीं आती अनिल जी, सोचा था सबसे पहले अनिल जी आज दीप के दर्शन होंगे, नेहा जी दिख गई हैं, तो अनिल जी इसलिए प्लानिंग कोई काम नहीं आई। और अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी का कि उन्होंने पहले ही हमें सूचित कर दिया कि नेहा जी हैं, तो सबसे पहले अनिल जी सुप्रभात नेहा जी को, उसके बाद अनिल जी सुप्रभात आपको भी। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर, आपको भी सुप्रभात। वैसे दीप के दर्शन करने हो आपको तो सुबह सुबह उठते एक दीपक जला लिया करें भगवान के सामने, बहुत फायदा होगा, विश्वास के साथ जलाए जी, बताए सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी खरीदारी की राय है, खरीदना है एलएनटी, एलएनटी पर खरीदारी की राय है, क्योंकि एलएनटी एक मेजर सपोर्ट के आसपास कल के ट्रेड में बंद हुआ, और मुझे लगता है कि वापस से जो रेंज में एलएनटी ट्रेड कर रहा है उस रेंज के अपर एंड तक एलएनटी ट्रेवल करेगा, तो मौजूदा स्तरों पर बाय करने की राय है। एक स्टॉप लॉस रख ले 2110 पर, मुझे लगता है 2180 और 2225 ये दो लेवल्स आपको एलएनटी में देखने को मिलेंगे, खरीदारी की राय। एलएनटी, ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए कुणाल जी की तरफ से आती हुई। 2180 2225 दो टारगेट, 2110 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर आपको करना है ट्रेड। आइए सुमित जी का भी किया जाए स्वागत। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी, जो आपकी पसंद का शेयर है वो है सनफार्मा। सनफार्मा के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से अब एक बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए। सनफार्मा में पिछले कुछ दिनों में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन कल और परसों के सेशन में लोअर लेवल से रिबाउंड देखने को मिल चुका है। ये रिबाउंड यहाँ से कंटिन्यू होना चाहिए और सनफार्मा के अंदर यहाँ से ऊपर के लेवल देखने को मिलने चाहिए। तो 951 के स्टॉप लॉस से सनफार्मा में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में इमीडिएट इस पुलबैक और बाउंस बैक में 980 रुपए से लेके 990 रुपए तक के लेवल सनफार्मा में देखने को मिल सकते हैं, तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा सनफार्मा के अंदर। ओके, तो सन फार्मा में है खरीदारी करने की राय आपके लिए 951 का स्टॉप लॉस, 980-990 के टारगेट के लिए। सिद्धार्थ सेठानी साहब भी ला चुके हैं तशरीफ, स्वागत किया जाए उनका भी। सर सुप्रभात, बताएं सर पसंद का शेयर आपका। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को। अनिल जी मैं अनोखा निकला, कलर कॉम्बिनेशन के मामले में थोड़ा डिफरेंट निकला हूँ आज। अभी कुछ और लोग आने बाकी है जी अनिल जी, अभी कुछ और लोग आने बाकी, क्या पता आपकी भी मैचिंग हो जाए, हो सकता है, पर अभी तो अनोखा निकला हूं। और हो सकता है कि आप बहुत ही अच्छी किस्मत लेके आए कि सिंगल ही रहे बताएं सर अनिल जी, आज पिक ऑफ द डे के हिसाब से ऑयल मार्केटिंग कंपनी लेके आया हूं बीपीसीएल। टारगेट रखना है 332 का, जो आज का टारगेट है। अगर थोड़ा सा पोजिशनल से लॉन्ग टर्म का टारगेट रखे तो 384 का भी टारगेट आ सकता है बीपीसीएल पे। डोमिनेंट इंडियन प्लेयर है ऑयल एंड गैस में, रिफाइनिंग मार्केटिंग, 19,000 रिटेल आउटलेट्स, जीआरएम काफी स्ट्रॉन्ग दिखे हैं तीसरे तिमाही में, $15.8 के आया है मुकाबले $9.7, तो रिफाइनिंग मार्जिन स्ट्रॉन्ग है। आने वाले समय में हम अच्छा उम्मीद लगा सकते हैं केपेक्स का भी। बीपीसीएल आज का टारगेट बस 332 का, पोजिशनल टारगेट 384। सेठानी साहब की तरफ से बीपीसीएल आज पिक ऑफ द डे निकल कर आई है 332 और इवेंचुअली लक्ष्य 384 का बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस स्टॉक में। लेकिन आइए
खबरों के दम पर हम देखने वाले हैं कि कुछ स्टॉक्स में यहाँ पर एक्शन दिखेगा और ब्रोकरेजेस ने, फॉरेन ब्रोकरेजेस ने खासतौर से आज अपना जो फोकस है वो सीमेंट स्पेस में है। गोल्डमैन सैक्स अल्ट्राटेक सीमेंट, इसमें हमने देखा है खरीदारी की रिकमेंडेशन है, टारगेट भी बढ़ाया है, पहले 7,650 था अब 8,500 कर दिया है। सिडानी साहब, आपका व्यू लेना चाहेंगे, अल्ट्राटेक सीमेंट टारगेट में अच्छा खासा मैसिव बढ़ोतरी यहाँ पर दिख रही है, आपका क्या व्यू बन रहा है और सीमेंट स्पेस में ओवरऑल क्या व्यू बन रहा है? बिल्कुल नेहा, और सीमेंट स्पेस पे हम बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, स्पेशली अल्ट्राटेक पे हमें काफी पॉजिटिव लगता है अल्ट्राटेक यहाँ से भी, क्योंकि करीबन 120 मेट्रिक टन की कैपेसिटी और बढ़ के साउंड आने वाले 2 सालों में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेहा ये कह दूं कि इंडस्ट्री एक तरफ और अल्ट्राटेक एक तरफ हो गया है, क्योंकि अल्ट्राटेक ग्रो कर रही है 10% कैपेसिटी से और इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 7% कैपेसिटी पे। तो अल्ट्राटेक अगर ले रखा है तो बिल्कुल बन रही है, नहीं लिया है तो खरीद सकते हैं। इंडस्ट्री की बात करूं तो डालमिया भारत और बिरला कॉर्प, ये दोनों ही बेहतरीन कंपनियां हैं लार्ज कैप स्पेस में। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करूं तो वन ऑफ द फेवरेट कंपनी ऑफ माई सागर सीमेंट, इस पर भी मैं बहुत ज्यादा बुलिश रहता हूँ, सागर सीमेंट यहाँ से खरीदा जा सकता है। ओके, अल्ट्राटेक तो है ही पसंद, लेकिन सागर सीमेंट इस पर जरूर फोकस करेगा, अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहाँ पर भी बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पर फरवरी में कुल डिसबर्समेंट 53% की वृद्धि दिखी है, एफिशिएंसी में 98% से घटकर हालांकि 97% पर आ गई है और लोन बुक पर नजर डाले तो 1.5% की वृद्धि देखने को मिली है। एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज, सचित आपका व्यू लेना चाहेंगे, क्या सलाह बनेगी इस पर? नेहा, इनफैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रही है, अगर हम ओवरऑल वीकली मंथली चार्ट देखें तो एक अच्छे हाइट ऑफ हायर बॉटम सीक्वेंस में जरूर है। पिछले 3 हफ्तों से जो दबाव है वो दबाव काफी ग्रेजुअल रहा था एंड एक अच्छे सपोर्ट जोन के आसपास वापस स्टॉक ट्रेंड हो रहा है। सो आई थिंक 250 के आसपास यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। इनफैक्ट एक गैप सपोर्ट है, उसके नीचे मुझे लग रहा है ट्रेडिंग के लिहाज से आपको स्टॉप लॉसेज मेंटेन करने चाहिए। सो 242 जब तक मेंटेन होता है तब तक आई थिंक ये ट्रेंड, मेजर ट्रेंड बुलिश ही रहनी चाहिए। एंड ये जो डिक्लाइन मिली है मुझे लग रहा है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पर ये स्टॉक अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में लिया जा सकता है। ऑन द अदर साइड मुझे लग रहा है वापस अराउंड 270-275 के आसपास के स्विंग्स अगले कुछ हफ्तों में एस्टैब्लिश होने चाहिए। सो जरूर खरीदारी करने की सलाह होगी 242 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा खरीदारी की जा सकती है, आंकड़े अच्छे दिख रहे हैं, स्पेशली डिसबर्समेंट के आंकड़े 53% साल दर साल बढ़कर आए हैं, कलेक्शन एफिशिएंसी जरूर साल दर साल 1% वो भी घटी है तो ठीक है, 97% ठीक है, कोई दिक्कत खाली वाली खास बात नहीं है। आइए एक और स्टॉक जिस पर फोकस किया जाए और वो है भारत फोर्ज। जरा भारत फोर्ज के डेटा और चार्ट देखिए सुमित जी, यहाँ पर क्लास 8 ट्रक बिक्री के आंकड़े आए हैं अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका से माफ कीजिएगा, जो फरवरी महीने की बिक्री 10% बढ़कर आई है। भारत फोर्ज के चार्ट में क्या नजर आ रहा है सर? बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं, स्टॉक पिछले 2 से 3 दिनों में लोअर लेवल से रिबाउंड दिखाने का कोशिश किया है, स्टॉक के अंदर यहां से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। जब तक स्टॉक नीचे में, भारत फोर्ज नीचे में सपोर्ट लेवल 820 के आसपास या 815 के आसपास जो बन रहे हैं वो नहीं तोड़ेंगे, जब तक भारत फोर्ज के अंदर एक पुलबैक और एक बाउंस बैक बनेगा जिसके अंदर 850 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, 850 का लेवल निकलने पे 875 रुपए तक के लेवल भारत फोर्ज में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने लास्ट 2 दिनों में पोजिशन बनाई है वो होल्ड करें, 820 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 850-875 ये लेवल जल्दी ही पुलबैक बाउंस बैक के तौर पे देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो भारत फोर्ज को मिस मत करिएगा, 820 के स्टॉप लॉस के साथ खरीद की रिकमेंडेशन है, पोजीशन है, बिल्कुल बने रहें। 850 पहला पड़ाव और दूसरा लक्ष्य 875 का भारत फोर्ज में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा सुमित जी की राय है। नैटको फार्मा पर फोकस कर लेते हैं क्योंकि यहां पर भी खबरें हैं, 8 मार्च को बोर्ड की बैठक होगी और बैठक में शेयर बायबैक के प्रस्ताव पर होगा विचार। कुणाल सर, आपका व्यू जानना चाहेंगे ऑन नैटको फार्मा। हालांकि देखिए नेहा, बेहद कमजोर स्टॉक है और हमने इसको 1100 रुपए से करेक्ट होते हुए देखा, स्टॉक का बाधा रह चुका है और इन स्तरों के आसपास मुझे लगता है कि कुछ बेस बन रहा है। तो हालांकि मेरी कोई खरीदारी की राय नहीं है, लेकिन जिनके पास पोजीशन है और जो अभी तक नहीं निकल पाए हैं थोड़ा इंतजार कर लें, हो सकता है कि स्टॉक में आपको एक अच्छा पुलबैक देखने को मिले और उस पुलबैक में एग्जिट का प्रयास करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो मौजूदा अभी जो कल का मूव है उसके बाद अगर आज तेजी बनती है तो 600 रुपए तक के लेवल्स भी देखने को स्टॉक में मिल सकते हैं।
ओके, पुल बैक पे एग्जिट करने की रेकमेंडेशन है। 600 तक का पड़ाव ऊपर दिखाई देगा और वो एक ऑप्टिमम लेवल हो सकता है जहां पर आपको इस स्टॉक से फिलहाल निकलने का मौका मिल जाए। मॉइल पर करते हैं फोकस। फरवरी के प्रोडक्शन और सेल्स के अपडेट निकल कर आए हैं और मैंगनीज ओर का हमने उत्पादन बढ़ते हुए देखा है। बिक्री में भी 19% की वृद्धि यहाँ देखने को मिली है। बंसल सर, आपसे एक चेक लेना चाहेंगे, मॉइल लिमिटेड सर। नेहा, मॉयल का अगर टेक्निकल चार्ट देखें तो चार्ट तो नेहा कुछ खास नहीं है, स्टॉक करेक्शन के अंदर चल रहा है और ऊपर में देखें तो 153 एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकलेगा तो तेजी शुरू होगी। चार्ट खराब है बट नीचे में लगता नहीं है कि 145-148 का सपोर्ट तोड़ेगा। नीचे 145-148 एक अहम सपोर्ट जोन है, तो जिनके पास है बने रहने की राय है। हल्की फुल्की करेक्शन में 145 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की राय होगी मॉयल में। ओके, 145 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की रिकमेंडेशन मॉइल में बिल्कुल निकल कर आ रही है। लेकिन एक स्पेस ऐसा है मेटल्स का जिसको बीच बीच में सेक्टोरल चर्निंग का फायदा तो मिल ही रहा है लेकिन बहुत भारी उठापटक का सामना करना पड़ रहा है। इनफैक्ट इसके अंडरलाइंग यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी मेटल्स को देखें तो ट्रेंड काफी मजबूती का बताया जा रहा है लेकिन ये भी उठापटक की मार झेल रहा है। और यहाँ पर हमने सर गोल्डमैन की एक रिपोर्ट भी आते हुए देखी है जो मेटल्स में एक अच्छे खासे रिटर्न की बात कर रही है, लेकिन क्या उस रिटर्न का फायदा हमारे मेटल्स स्पेस को इक्विटी मार्केट में मिलेगा? सिडानी जी, मैं आपका व्यू जानना चाहूंगी, मेटल पे अब किस तरह की पिक्चर यहां से बनती हुई दिखाई दे रही है? देखिए नेहा, शॉर्ट टू मीडियम टर्म की अगर मैं बात करूं तो मेटल्स पे मुझे पॉजिटिविटी दिखती है। सबसे बड़ा कारण आपको पता है कि चाइना ओपन अप हो चुका है जिसका काफी बड़ा फायदा मिलता है। साथ ही साथ रेट ब्याज दर वर्ल्ड वाइड बढ़ने की जो अब सीमा है वो बहुत लिमिटेड है, चाहे वो फेड की बात करें या भारत में आरबीआई की बात करें या कोई दूसरे ईसीबी की बात करें। तो मैं मानता हूं कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की सीमा कम हो गई तो लिक्विडिटी का संतुलन थोड़ा सा बेटर रह सकता है जो फिर से मेटल के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म पॉजिटिव है। मेटल में मेरी टॉप पिक जो है वो है टाटा स्टील, 130 रुपए के टारगेट के लिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जरूर खरीदा जा सकता है। टाटा स्टील 130 का टारगेट रखे खरीदे लॉन्ग टर्म के लिहाज से, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। ये राय है आपके लिए सिद्धार्थ जी की तरफ से। एक सवाल है जिसके जवाब में मैं ऑप्शन देता हूँ हमारे सारे एक्सपर्ट को, जिसको जवाब देने का मन हो हाथ खड़ा कीजिए, बाकी मुझे तो जिससे पूछना मैं पूछ ही लूंगा। यस बैंक, इस पर राय देनी है। खबरें आ रही कि रॉयटर्स के हवाले से कि 3 साल का जो लॉक इन पीरियड है जो एसबीआई और बाकी बैंक्स ने यहाँ पर स्टेक खरीदी थी यस बैंक में, उसका लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है शायद 6 मार्च के आसपास। इसके बाद एसबीआई अपना हिस्सा घटा सकता है। यस बैंक पर कौन राय देना चाहेगा? और बंसल जी, ये कभी भी इस तरह का जब सवाल हो और उस समय अगर आपको राय नहीं देनी और अगर आपको अगर खुजली चल रही है, ऐसा हाथ ऊपर लेके आए ना, तो ये गलत फहमी मुझे हो सकती है कि आप राय देना चाहते हैं। तो कभी ऐसा हो तो 30 सेकंड 50 सेकंड कंट्रोल करना जरूरी है ताकि ऐसा ना लगे कि आप जवाब देना चाहते हैं, लेकिन अब आप देना भी चाहते हैं, बताएं सर। देखिए अनिल जी, दो चीजें होती हैं। देखिए स्कूल में क्या होता था, स्कूल में जब टीचर पूछती थी ना कौन बताएगा तो हाथ खड़ा करने वाले से टीचर का भी आती नहीं थी। अच्छा, मान लेती थी कि उसे मालूम होता है, पर ध्यान रखने की चीज दूसरी है। यहाँ किसी और ने, हाँ अनिल जी हमारे स्कूल में तो ऐसे ही होता था और इसका भरपूर फायदा उठाया अनिल जी। और अगर समझो आगे टीचर और आपको जवाब न पता हो तो फिर डबल धुलाई। हाँ अनिल जी, वो तो एक्सीडेंट तो अनिल जी कहीं पर भी हो सकते हैं, मार्केट हो, लाइफ हो, स्कूल हो, कहीं पर भी हो सकते हैं। जी बताए सर, यस बैंक पर आए आपकी। बंसल जी, ओ बंसल जी से संपर्क टूट गया जी, एकदम सही वक्त पर बंसल जी ने अपना संपर्क तोड़ा है किया। जी तो चलिए बंसल जी फिर से जुड़ेंगे तब हम उनसे यस बैंक पर राय लेंगे। ओवर टू यू कुणाल जी। अनिल जी, बंसल जी के स्कूल की प्रैक्टिस देखिए अनिल जी, क्या जबरदस्त प्रैक्टिस है। मतलब उनका स्कूल का जो समय था आई एम श्योर बड़ा ऐतिहासिक रहा होगा, कोई डाउट ही नहीं उसमें। जी अच्छा, बंसल जी फिर से पदार्पण कर चुके हैं। जी बंसल जी फरमाएं। देखिए अनिल जी, स्कूल में इस तरीके का एक्सीडेंट होता था तो पर्पसली करा जाता था, कॉपी गिर दी, खुद गिर दिया। यहाँ पे अनिल जी ऑडियो डिस्कनेक्ट मैंने नहीं करा था। यस बैंक के लिए अनिल जी पॉजिटिव चीज यही है कि यहाँ पर अनिल जी नीचे में 15.50 रुपए एक अहम सपोर्ट है। टेक्निकली अनिल जी 15.50 रुपीज एक अहम सपोर्ट है, तो जिनके पास है, खरीदारी की राय नहीं है, जिनके पास है
₹15.50 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। और दूसरा अनिल जी, अगर यहाँ पर आपसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ और आप मतलब अपनी रिसर्च टीम को भी बोले, अनिल जी जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा समझा, अगर यहाँ पर स्टेट बैंक अपनी हिस्सेदारी घटाता है तो मोस्ट लाइकली अनिल जी जो सीईओ है अनिल जी यहाँ पर प्रशांत कुमार जी, क्या उसमें भी फेरबदल होगा, क्या उनको जाना पड़ेगा, कोई नए सीईओ आएंगे? और अगर कोई जैसे प्राइवेट इक्विटी जिन्होंने ऑलरेडी स्टेक ले रखा है तो स्टेट बैंक का स्टेक अगर वहां जाता है तो नए सीईओ को वो किसको प्रेफर करेंगे? एज ऑफ नाउ अनिल जी, टू बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग प्रशांत कुमार जी इसलिए क्योंकि स्टेट बैंक का स्टेक है यहाँ पर, तो इसमें भी अनिल जी थोड़ा सा आप विश्लेषण दें और अपनी रिसर्च टीम को बोले थोड़ा सा इस पर भी होमवर्क करें। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपने कही है, तो उस पर भी गौर फरमाया जाएगा। सिद्धार्थ जी, कोई फंडामेंटल राय देना चाहेंगे आप? अनिल जी, आपको तो सही से याद है कि ₹200 में भी मैं बोलता था नहीं लेना है, करेक्ट? तो अभी तो मैं कह ही नहीं सकता हूँ, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैं मानता हूँ कि काफी कुछ अच्छा बदलाव हुआ है येस बैंक में, और SBI के जाने से मैं नहीं मानता हूँ बहुत बड़े चेंजेस होंगे, क्योंकि ऑपरेशनली जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है वो टेक केयर करेंगे। सो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर आपने ले रखा है तो बने रहिए, बट फ्रेश लेने की खरीदारी नहीं रहेगी, क्योंकि मैं अभी भी वही कंपनी को रेटिंग देता हूँ जो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में अव्वल नंबर है, जैसे कि ICICI और एक्सिस बैंक। ओके, तो प्रेफरेंस नहीं है सिडानी जी की यस बैंक, और उसके बजाय उनको लगता है कि प्राइवेट क्षेत्र की कुछ और बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक्स जिन पर आप फोकस कर सकते हैं। लेकिन सिडानी सर, मेरा आपसे ही सवाल है और वो MCX से जुड़ा हुआ है। हाल फिलहाल में आज तो खैर MCX क्रूड मिनी लॉन्च होने वाला है, और सिर्फ यही नहीं, हमने देखा है कि पीछे इन्होंने मेटल्स के मिनी को रीलॉन्च किया है, फिर चाहे जिंक हो, एल्यूमिनियम हो, और आगे भी हमारे उनके मैनेजमेंट से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स पे अब उनका फोकस होगा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिहाज से। इसे आप कंपनी के लिए कैसे देखते हैं और उस लिहाज से फिर MCX पर क्या सलाह होगी? देखिए नेहा, कमोडिटी के अपडेट के लिए तो आपसे बेहतरीन कोई नहीं है, अभी चैनल में आप बहुत अच्छा अपडेट देते हैं कमोडिटी पे, बट अगर स्टॉक की बात करूं तो मंथ ऑन मंथ वॉल्यूम्स में जरूर डिप देखा जा रहा है MCX में, क्योंकि रिजल्ट्स में भी देखा जा रहा है कि वॉल्यूम्स में डिप है। डेफिनेटली ये जो स्टेप है ये टूवर्ड्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन वॉल्यूम्स बढ़ाने के लिए है, बट मैं अभी भी यही मानता हूं कि MCX पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, आपको इक्विटी मार्केट की जो कंपनियां हैं उस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE या CDSL फॉर दैट मैटर। तो मेरी पॉजिटिव राय रहेगी BSE या CDSL पे कंपेयर टू MCX। ओके, तो ये है आपके लिए MCX पर राय सिद्धार्थ सिडानी साहब की। आइए करते हैं शुरुआत, और सुमित जी का फेवरेट लेवल है MCX निफ्टी पर, लिफाफा लेवल 111 पॉइंट है ऊपर।